टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र कल्याण के कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग के बारे में अपना मत यहाँ पर रखने का मौका दिया। मेरे चुनाव क्षेत्र कल्याण में कल्याण जंक्शन जो है वो बहुत ही बिजी रेलवे स्थानकों में से एक है। वहाँ पर प्रतिदिन 760 ट्रेनें चलती है, रुकती है, लोकल ट्रेन हो या आउटस्टेशन ट्रेन हो, सभी ट्रेन वहाँ पर रुकती है। और ये जो कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग का प्रकल्प है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, जो कि MUTP 3 के अंतर्गत आता है और 800 करोड़ की लागत उसमें लगने वाली है। 2018 में इसकी स्वीकृति इस कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग को मिली है। इसके जब ये कल्याण रिमॉडलिंग का काम हो जाएगा तो ये कल्याण जंक्शन जो है उसका पूरी तरह से रीडेवलपमेंट हो जाएगा। हर लोकल को, गुड्स को और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आज के टाइम पर वहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है, ये कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग होने के बाद ये 13 हो जाएंगे। तो सभी आज जो ट्रेन्स वहाँ पर रुकने के कारण, जंक्शन होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है, तो आने वाले समय में ये असुविधा दूर होने वाली है। लेकिन 2018 में इसको स्वीकृति मिली, लेकिन सिर्फ अभी तक 60 करोड़ का ही टेंडर निकाला गया है, अभी तक वहाँ पर कुछ भी काम शुरू नहीं हो पाया है। तो मेरी जानकारी के अनुसार निधि के अभाव के कारण ये काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द निधि का आवंटन करें और यह जो प्रोजेक्ट पहले ही पीछे चल रहा है वो जल्द से जल्द शुरू कर लाखों लोगों को जो असुविधा हो रही है वो जल्द से जल्द दूर करने का काम करें। धन्यवाद।